मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू मैम। तो आज का टॉपिक है स्वच्छता ही जीवन है। अगर हम अपने आसपास के पूरे माहौल को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा जो पूरा माहौल है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा और आने वाला जो समय है वो बहुत ज्यादा भयावह होने वाला है। पूरा विश्व, पूरा संसार खतरे की चपेट में आ रहा है। हम सबको एक प्रदूषण मुक्त भारत बनाना होगा। मैम, प्रदूषण की समस्या का समाधान तो बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न तुमने पूछा है। प्रदूषण की समस्या का समाधान कैसे है? आप सबने बापू को पढ़ा है? यस मैम। क्या आप सब बापू को जानते हैं? यस मैम। तो सारे प्रश्नों के उत्तर उनके अनुसरण में ही है। आप स्वावलंबी बनिए, ईमानदार बनिए, अपने आसपास के माहौल को हमेशा स्वच्छ और सुंदर बना के रखिए। जितनी ज्यादा हरियाली रहेगी हमें ऑक्सीजन उतना ज्यादा मिलेगा। जी मैम, गांधी जी ने भी स्वच्छता पे बहुत। हाँ, तभी तो बापू ने कहा है, करो सफाई, वृक्ष लगाओ, प्रदूषण से मुक्त हो जाओ। कितनी गंदगी है। ओ मेरे बापू, तेरी याद आई। ओ मेरे बापू, तेरी याद आई। करके सफाई तब हो पढ़ाई, पढ़ने के बाद भी जी सर। रामू, स्वीपर को बुलाओ। सर आज भी स्वीपर नहीं आया। ये शौचालय किसने साफ किया है? सर क्लास 7 का एक छात्र है शरद नाम का, वही क्लासरूम साफ किया और शौचालय भी, और साथ में एक पौधा भी लेकर आया। अच्छा शरद, ठीक है बुलाइए उसको। मैम, शरद को प्रिंसिपल सर बुलाएं। शरद, प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है, पौधा लेकर जाइए। मैं आ कमिंग सर। यस कमिंग। शरद, शौचालय आपने साफ किया? यस सर। आप यहाँ पढ़ाई करने आते हो या शौचालय साफ करने आते? सर क्लास में मैम ने बताया प्रदूषण की समस्या का समाधान बापू के आचरण से होगा, और बापू का ये भी कहना है हम जहाँ रहते हैं वहाँ स्वच्छता से रहना चाहिए। गंदगी फैलाने से बीमारी भी होती है, इसलिए मैंने शौचालय साफ किया। वेरी गुड शरद। रामू। यस सर। इस बच्चे की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में हम भी सहयोग करेंगे और शरद के साथ मिलकर पौधारोपण करेंगे। हरफन मौला एवं होनहार छात्र शरद को आमंत्रित करना चाहेंगे, जिन्हें सबसे अच्छा स्वच्छाग्रही छात्र चुना गया है, जो मुख्य अतिथि से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। शरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, दुनिया वालों संभल क्यों न जाते,
शाबाश, इस बच्चे ने हमारी आंखें खोल दी, हमें आईना दिखा दिया है। निश्चित रूप से स्वच्छता ही प्रदूषण के खतरे से हम लोगों को बचाएगी। यदि अंतर मन शुद्ध तो नहीं होगा युद्ध। बाहर स्वच्छ, हम रहेंगे स्वस्थ। इसलिए स्वच्छता को अपनाइए, जीवन और धरती माता को स्वर्ग बनाइए। ब्रिलियंट स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। वेलकम। चलो अब लंच करते हैं। ये सही है। अरे अरे रुको रुको, बापू को स्वच्छता पसंद है। चलो संतुष्ट, आज से मैं भी बन गया बापू का अनुयायी। यही तो स्वावलंबन है, बापू का एक और कारगर मंत्र है। चलो इस मंत्र को आज से ही अपनाते हैं। वो कैसे? अपना अपना लंच बॉक्स धुलकर और घर चलकर अपना अपना काम करेंगे। इससे हमारी माताओं को बहुत आराम भी मिलेगा। ओके, तब खाना खाओ सब फटाफट। चलो अब चलते हैं। ऐसे हम लोग रोज कचरा डस्टबिन में फेंकेंगे। ओहो, मेरा कमरा ना बिखरा पड़ा है। मेरा कमरा कभी माँ साफ करती है तो कभी नौकर साफ करते थे। आज मैं अपना कमरा खुद साफ करूंगा। हमें अपना काम खुद करना चाहिए। अरे अंकल बैठिए ना। ठीक है बाबू, थोड़ा सफाई कर लें। अरे बैठिए ना। अरे बैठ जाइए, आइए बैठिए बैठिए। पूजा, दो कप चाय लाओ। और सब घर पे बढ़िया है ना? हाँ, मालिक सही है ना? हाँ, वो भी ठीक है। लीजिए चाय पीजिए। अरे नहीं नहीं, ठीक है। अरे पीजिए ना आप, पीजिए। अरे पीजिए। अंकल सोच क्या रहे हैं? पीजिए। ये तुम्हारी औकात कैसे? तुम बैठ कैसे गए? तुम भूल गए कि तुम कौन हो? पापा, ये मेरे मित्र के डैडी हैं। चुप! हमारे देश में सफाई कर्मचारियों के पांव पखारे जाते हैं और आप इनके बारे में ऐसी बातें करते हैं। चुप रहो, जाओ तुम सफाई करो। अरे अंकल रुक जाइए, मैं अपने पापा के दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे मित्र को ये सब कुछ मत बताइएगा। आज से मैं अपना बाथरूम खुद ही साफ करूंगा, क्योंकि गांधी जी भी किया करते थे। बालकों को अपने साथ रखते हुए स्वावलंबन, स्वाभिमान्यता और त्याग, स्वच्छता। बापू फिर वही किताब, उम्र की है कि नहीं? अभी तक दूध भी नहीं पियो। होमवर्क तो स्कूल से आते ही कर लिया। वैसे जब से बापू को पढ़ने लगा हूँ, कोर्स की किताबें भी आसान लगने लगी है। अच्छा, वो कैसे? मन शांत, चित एकाग्र हो गया है। हे बापू के अनुयायी, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है। कल संडे है, आप जाके सो जाओ। बापू का चरित्र पढ़ते पढ़ते तो मेरा बेटा बड़ा ही हो गया है, अब मुझे ही सुलाने लगा है। चलो सो जाओ। दास करमचंद गांधी। अहो भाग्य, आपके दर्शन हुए। खुश रहो, इसके लिए तुम्हारे भाग्य से ज्यादा तुम्हारे स्वच्छता के कर्म और स्वालंबन के कर्म जिम्मेदार हैं बेटा। दुनिया विनाश
के मुहाने पे खड़ी है। प्रदूषण मौत बन के फैलता जा रहा है, आप इससे चिंतित होंगे बापू। बिल्कुल, मैं बहुत चिंतित हूँ बेटा। अगर दुनिया संभली नहीं तो प्रदूषण मानव सभ्यता को निगल जाएगा। देख लिया दुनिया वालों, बापू के सिद्धांत पे ना चलने का अंजाम। मिटा डाला तुमने अपने आप। क्या हो गया बेटा? शरद, शरद उठो बेटा, उठो। क्या हो गया बेटा? डर गया। क्या हो गया मेरे लाल? लगता है मेरे बेटे ने बुरा सपना देख लिया है। हाँ माँ, बहुत बुरा सपना था माँ। पूरी दुनिया को मिटते हुए देखा है, चुप हो जा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रख। शरद, हम पार्क में तो आ गए। अरे ये सुबह सुबह कहाँ ला दिए, बताओ कहाँ बैठेंगे हम? चलो खड़े खड़े बात करते। चलो सफाई करके बैठने लायक जगह बनाते हैं, तब बात करते हैं। सिर्फ अपने लिए ही क्यों, क्यों ना सबके लिए? हाँ ठीक कह रहे हो, बापू की मानो तो स्वच्छता ही सेवा है। चलो कल रात बापू मेरे सपने में आए थे। बापू कह रहे थे समय रहते संभले नहीं तो प्रदूषण मानव सभ्यता का गला दबा देगा। क्या सपने भी सच्चे होते हैं? हाँ होते हैं। अगर दुनिया बापू को सिद्धांतों को मानती, वातावरण रहता शुद्ध और नहीं होता युद्ध। कभी कम वर्षा, कभी अधिक वर्षा, कभी सूखा, कभी बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आती रहती है। लोग इतना जानते हैं तभी भी गंदगी फैलाते हैं। क्यों ना लोगों को जागृत करने के लिए विचार गोष्ठी रखा जाए? हाँ क्यों नहीं, वो कैसे? सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो मेरा कहना। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो मेरा कहना। लगा लो पेड़ पौधों को, लगा लो पेड़ पौधों को, बना लो जीवन का गहना। लगा लो पेड़ पौधों को, बना लो जीवन का गहना। यदि जीना है तो कचरा को साफ करना होगा और स्वच्छता पे ध्यान देना होगा। वृक्षारोपण करके पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। इस लड़के को कहीं देखा आपने? ये लड़का वहाँ पर है। अच्छा हो रहा। स्वच्छता ही जीवन विषय पर किसके सपने में आए थे बापू? मेरे सपने में। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आए थे, महत्वपूर्ण ये है कि क्यों आए। क्यों आए थे? बापू काफी चिंतित थे कि स्वच्छता को जीवन शैली में शामिल नहीं किया गया तो प्रदूषण मानव सभ्यता का गला घोट देगा। चिंतित तो मैं आज भी हूँ। बापू आप? हाँ मैं बापू। आपकी आवाज तो सुन रहा हूँ पर आप दिख नहीं रहे। दिखाई तो मैं उनको देता हूँ जो स्वच्छता पसंद है। आप भी स्वच्छाग्रही बनिए, मैं आपको अवश्य ही दिखाई दूंगा। जी बापू। शरद, क्या बगल में कोई स्लम बस्ती है? जी बापू आइए। आइए बापू। देखो बच्चों, पॉलीथीन का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। सैकड़ों वर्षों तक पानी में यह नहीं घुलता है। खाद्य पदार्थों के साथ आदमी के शरीर में चला जाता है। तमाम बीमारियां ये पैदा करता है जो जीवन के लिए घातक हैं।
अरे बाप रे बाप, अब तो मैं इस प्लास्टिक का खुद भी इस्तेमाल नहीं करूंगी और किसी और को भी ना करने का सलाह दूंगी। वाह बेटी वाह, पॉलीथीन बड़ा घातक है, इस बात का प्रचार पूरी दुनिया में करना चाहिए। प्रदूषण का कील न ठोको, धरती माँ के सीने में। प्रदूषण का कील न ठोको, धरती माँ के सीने में। यदि मनुष्य संभला नहीं तो मुश्किल होगी जीने में, मुश्किल होगी जीने में। काश के कार्बन उत्सर्जन पर करते बहुत कड़ाई, आने वाले पीढ़ी तुमको देती खूब बधाई। काश के कार्बन उत्सर्जन पर करते बहुत कड़ाई, आने वाली पीढ़ी तुमको देती खूब बधाई। हरे हरे से स्वच्छ धरा पे यदि है तुमको रहना, लगा लो पेड़ पौधों को, बना लो जीवन का गहना। दमा और डेंगू तो गंदगी से फैलता है और ये गंदगी बीमारी को जन्म देती है। ये बताओ ये बगल की फैक्ट्री किसकी है? कुमार की। कुमार के पापा श्री सुनील मेहता की। क्यों कुमार? जी बापू, मेरे पापा पैसे कमाने के चक्कर में औरों की सेहत का ध्यान नहीं रखते। नहीं बेटा, पिता के बारे में कभी कर्कश शब्द नहीं बोलते, कड़वे शब्द नहीं बोलते। पिता ईश्वर तुल्य होता है। क्यों बापू आज मेरे घर पे चलिए। नहीं बेटी, आज तो मुझे कुमार के घर ही जाना होगा। आइए बापू। अरे रुकिए रुकिए, अंदर बापू भी बैठे हैं। आइए बापू, मेरे साथ चलिए। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आइए बापू। ऐसा है कुमार बेटे, बाहर से आने के बाद हाथ पैर धुल लेना चाहिए ताकि गंदगियां भीतर प्रवेश ना करें। गंदगियां बीमारियों की जड़ें होती हैं, हर आदमी को ये करना चाहिए। बेटा बस बस, बहुत बढ़िया। आइए बापू। बस बस। आइए बापू, बैठिए बापू। तुम भी बैठो बापू। आप यहाँ आए हैं तो कुछ दिन यहीं रहिए, दुनिया को स्वच्छता का पाठ पढ़ाइए। बेटा मैं बहुत दिन यहाँ नहीं रह सकता, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। स्वच्छता ही जीवन है, अगर दुनिया को बचाना है तो स्वच्छता को अपनाना होगा। कुमार की माँ, मैम साहब नाराज ना हो तो एक बात बताऊं? कुमार साहब गाड़ी में किसी से बात कर रहे थे लेकिन सामने कोई दिख नहीं रहा था। दुनिया को स्वच्छता का पाठ पढ़ाइए। कुमार बेटे आओ भोजन किया जाए। पापा आज मेरे साथ विशेष मेहमान भी है। खुश रहो, चलो बैठो। और बेटा तुम्हारे विशिष्ट मेहमान कहाँ हैं? मेरे विशेष मेहमान बापू आपके सामने बैठे हुए हैं। सामने बैठे हैं? कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। अरे
वो तो कब के गुजर चुके हैं बेटा। हाँ मेहता जी, अब तो मैं कार्यालय और महफिलों की शोभा की वस्तु ही बन के रह गया हूँ। जी आप वास्तव में हैं कौन? अरे किधर हैं भाई, दिखाई तो दे नहीं रहे हैं। कुमार बेटा सही कह रहा है, मैं बापू ही हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा क्योंकि आप स्वच्छता पसंद नहीं हैं। क्या बात करते हो, हम लोग अमीर आदमी हैं और हमेशा स्वच्छता पसंद करते हैं। आपको हमारा कैंपस चमकता हुआ और ये घर आंगन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मेहता जी, आपका अंतःकरण स्वच्छ नहीं है। आपकी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं धूल एवं धूल कण ने कईयों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। आप प्रदूषण के उत्पादक भी हैं, एक दिन आप भी इससे तबाह हो जाइएगा। बकवास बंद कीजिए, बहुत हो गया आपका प्रवचन, फटकने दो इनकी आत्मा। कल सुबह फैक्ट्री की मीटिंग है, खाना खाने दो। अतिथि देवो भव, यही तो भारतीय संस्कृति है। और खाने के टेबल पर बैठाकर खाना भी नहीं खिला रहे मेहता जी। इनको रोटी तो दीजिए ना। रोटी लाइए, कैसे खाता है ये। आप भी खाइए ना। भाभी इधर भी। आप भी लीजिए। ए सुनो, ये बदबू कहां से आ रही है? सर बाहर से आ रही है। तुम चलो फाटक खोलो। अरे यार किसने ये नाली खोदा है, पूरा कचरा कचरा फैला दिया है। कौन है वो, किसकी हिम्मत हुई जो इस नाली को तोड़ा है, कौन है वो जरा बताओ। मैं बापू, तुम्हारी फैक्ट्री के ही तो कचरे हैं, तुम्हारे कचरे तुम्हें मुबारक। आप बापू हो ही नहीं सकते, बापू कभी प्रतिक्रियावादी नहीं थे, और बापू रहते ना तो ये कचरा कभी नहीं फैलाते। पापा, अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो का नारा बापू ने ही दिया था। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मेहता जी समझ क्यों नहीं पाते, स्वच्छता ही स्वावलंबन है, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही जीवन है, और जहाँ स्वच्छता है वहीं ईश्वर है। बापू मेरे पापा को माफ कर दीजिए, प्रकट होइए। बापू मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं पूरे मोहल्ले को स्वच्छ बना दूंगा बापू, कहीं कोई गंदगी नहीं। विकास के दौर में प्रदूषण का रथ कैसे रोका जा सकता है बापू? विकास और स्वच्छता का पहिया समानांतर चलते रहना चाहिए, भोगवाद और विस्तारवाद को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अगर इसे नहीं रोका गया तो फिर दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। मेरे आने का मकसद पूरा हुआ मेहता जी, अब मेरे जाने का समय आ गया। बापू कुछ दिन और ठहर जाइए। नहीं कुमार, अब मेरे जाने का समय हो गया, अब मुझे जाना ही होगा। जिस स्वच्छता मशाल को 1915 में मैंने जलाया था, यह स्वच्छता मशाल जलती रहे, बुझने न पाए। अगर यह मशाल बुझ गई तो मानव सभ्यता की बत्ती ही गुल हो जाएगी। ओ मेरे बापू, तुझको बधाई।
आशिका की सबको है भाई, सबको है भाई। कथा स्वच्छता की सबको है भाई, सबको है भाई। कथा स्वच्छता की मेरे बापू तुझको बधाई, ओ मेरे बापू तुझको बधाई, तुझको बधाई, तुझको बधाई।